गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के सामने एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, एंगल होता है इन बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन आर। इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन आर के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम फ्रिक्शनल एंगल कहते हैं या एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। वहीं एंगल ऑफ रिपोज वो मिनिमम एंगल जिसके आने के बाद बॉडी जो होती है दूसरी बॉडी के ऊपर जस्ट स्लाइड करने वाली होती है, उस एंगल को हम एंगल ऑफ स्लाइड कहते हैं या एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। एंगल ऑफ रिपोज जिस पे कि बॉडी जस्ट गोइंग टू बी स्लाइड। अब वन बाय वन करके इन्हें समझेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ फ्रिक्शन से पहले एंगल ऑफ फ्रिक्शन की तरफ चलते हैं। इसके लिए हम एक बॉडी लेते हैं, वी आर गोइंग टू अज्यूम एन बॉडी, वी आर गोइंग टू हैव ए बॉडी। हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी में यहां पर एमजी फोर्स लग रहा था, एमजी फोर्स, और इसकी नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास आर थी, वी आर गोइंग टू हैव नॉर्मल रिएक्शन आर। एंड इधर एक पी फोर्स लग रही है और इधर एक लिमिटिंग जो फ्रिक्शनल फोर्स है एफ लग रही है। नाउ हम मानते हुए चलते हैं कि हमारे पास इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो है इधर कहीं आपके आती है, इट इज रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स के केस में हम इसे यहां से कनेक्ट करते हैं, इसे यहां से यू कनेक्ट करते हैं, ये हमारे पास सेंटर ओ, वी आर गोइंग टू हैव दैट सेंटर ओ, या हम इसे कैपिटल एफ लिखते हैं, वी आर गोइंग टू हैव कैपिटल एफ। नाउ ये रिजल्टेंट लिमिटिंग फोर्स है, रिजल्टेंट लिमिटिंग फोर्स ये यहां से ओ आर, ये हमारी रिजल्टेंट लिमिटिंग फोर्स है और ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल ये बन रहा है, ये एंगल जो बन रहा है, दैट एंगल गोइंग टू फॉर्म, इस एंगल को ही हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। दैट एंगल इज सेड टू बी एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन लिमिटिंग रिजल्टेंट फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन के बीच में बना हुआ एंगल होता है। सो वी हैव एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल इन बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन आर, लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ, इन डायरेक्शन नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन आर की डायरेक्शन में जो एंगल बनता है उसे नॉर्मल रिएक्शन आर की डायरेक्शन में जो एंगल बनता है उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दैट एंगल इज सेड टू बी एंगल ऑफ फ्रिक्शन फॉर अस। तो
एक बार दोबारा से इस बात को समझ लेते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, एंगल होता है इन बिटवीन रिजल्टेंट लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन आर, और रिजल्टेंट आर की डायरेक्शन में रोटेशन होता हुआ, रिजल्टेंट आर की डायरेक्शन में रोटेशन होता हुआ जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। और इट इज डिनोटेड बाई थीटा, इट इज डिनोटेड बाई थीटा, इसे थीटा से नोट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रिलेशन इन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड थीटा या एंगल ऑफ फ्रिक्शन। रिलेशन इन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बीच में क्या रिलेशन रहता है, इसके लिए हम इनके एक काम करते हैं, ओ इसे बोल देते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं ए, इसे बोलते हैं सी। तो हमारे पास, और ये हमारे पास एक 90 डिग्री बन रहा है, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है ए ओ सी। तो इन ए ओ सी जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हम देखेंगे और देखेंगे क्या मिलता है हमें। तो वी हैव इन राइट एंगल ट्रायंगल एओसी, इसमें टेन थीटा का रिलेशन लेकर के, वाई टेकिंग द रिलेशन ऑफ टेन थीटा वी आर गोइंग टू बी हैव टेन थीटा। टेन थीटा का रिलेशन जब हम इसमें लेते हैं, पहला राउंड के फॉर्म में बना हुआ है, तो हमारे पास आता है ये इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, इसके नीचे वाला बेस होगा, तो वी हैव ए सी एंड ओ आर, ए सी एंड ओ आर। ए सी की वैल्यू हमारे पास जो है वो एफ के बराबर है, और ओ आर की वैल्यू हमारे पास आर के बराबर होती है। तो एफ अपॉन आर इक्वल्स टू टेन थीटा। जैसा हम जानते हैं, अभी हम यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से जो F होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R की, तो F इक्वल्स टू म्यू R, और म्यू की वैल्यू F अपॉन R के बराबर होती है। तो F अपॉन R और म्यू दोनों बराबर हैं यहाँ से, तो इसकी जगह म्यू भी रह सकती है। तो वी हैव म्यू इक्वल्स टू F अपॉन R इक्वल्स टू टेन थीटा। तो म्यू और टेन थीटा को साथ साथ ले लें, म्यू इक्वल्स टू टेन थीटा, म्यू इक्वल टू टेन थीटा। ये हमारे पर रिलेशन आता है इन बिटवीन म्यू एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और म्यू के बीच में ये एंगल हमारे पास निकल करके आता है। नोट इट डाउन। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। हाँ, तो एंगल ऑफ रिपोज को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइन एज मिनिमम एंगल, मिनिमम एंगल और इंक्लिनेशन, इट इज डिपेंडेड मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद हॉरिजेंटल सरफेस, विद हॉरिजेंटल सरफेस। ये मिनिमम एंगल होता है इंक्लिनेशन का विद हॉरिजेंटल सरफेस, एट विच body just having going to be slide
ओवर एनदर बॉडी, जस्ट गोइंग टू स्लाइड ओवर एनदर बॉडी इन कॉन्टेक्ट। तो एंगल ऑफ रिपोज वो मिनिमम एंगल होता है हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ जिस पे आकर के जो हमारी बॉडी है वो जस्ट स्लाइड होने वाली होती है, जो इसके साथ हम कांटेक्ट में हैं वो बॉडी जस्ट स्लाइड होने वाली होती है उस एंगल को हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। इसको हम यहां देखते हैं जरा, ये हमारी हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इट इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस वी आर गोइंग टू बी हैव, इट इज द इंक्लिनेशन वी आर गोइंग टू हैव। हमारे पास यहां एक बॉडी है, वी आर गोइंग टू हैव दिस बॉडी, हमारे पास यहां एक बॉडी ये है। अब देखिए यहां पे इसके ऊपर एक फोर्स है आर, रिएक्टिव फोर्स है आर। अब हमारे पास इसमें जो एम जी है एंगल की वजह से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, एम जी इस तरीके से इस पर लग रहा है क्योंकि एंगल भी इसमें एक्शन दिखा रहा है अपना। नाउ जब हम एम जी को इसे कंपोनेंट में पैटर्न करते हैं ऑन ब्रेकिंग एम जी इनटू कंपोनेंट्स, तो एक यहां हमें मिलता है एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा आर को बैलेंस कर रहा है, और दूसरा हमें मिलता है इधर दैट इज एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा जो कि पीछे से रोकने की कोशिश कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स एफ, जो इसे रोकने की कोशिश कर रहा है। हम आपको बता दें कि यहां पर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है हमारी, और ये हमारी एफ है, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है हमारे पास। तो जो ये एंगल हम यहां देख रहे हैं ये एंगल थीटा, वो मिनिमम एंगल है जिसको थोड़ा सा अगर हम बढ़ा दें और वो मिनिमम एंगल जिस पे आकर के ये बॉडी स्लाइड करना शुरू कर दे, इस पे इंक्लिनेशन पर स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, वही हमारा एंगल एंगल ऑफ रिपोज कहलाएगा। दैट एंगल इज सेड टू बी एंगल ऑफ रिपोज, नोट इट डाउन। दो तीन बातों के लिए हम एक बात देख लेते हैं, यहां पर हम इसे ए बी और सी बोलते हैं, हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन को भी थीटा बोला है तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम इसे यहां अल्फा बोलेंगे, व्यास कोण से अल्फा ही है, यहां ये एंगल बन रहा है इसके रेस्पेक्ट में अल्फा ही है एंगल भी। नाउ जो हम नॉर्मल रिएक्शन देख रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन आर, नॉर्मल रिएक्शन आर इज परपेंडिकुलर टू एवी, ये एवी के परपेंडिकुलर है। हम देखते हैं नॉर्मल रिएक्शन आर जो है एक्शन में है परपेंडिकुलर टू एवी, और ये आर जो है इसे बैलेंस करने के लिए हमारी जो वैल्यू वर्क कर रही है वो है एम जी कॉस अल्फा, एम जी कॉस अल्फा जो है इसे बैलेंस करने का काम कर रही है। वहीं जो लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ है या फ्रिक्शन एफ है वो पैरेलल है इन अ प्लेन, है इन अ प्लेन टू ए बी और पैरेलल टू ए बी, नॉर्मल फ्रिक्शन और हाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन limiting friction F is in plane to AB, is it plane में है AB, AB से plane में है, इस तरीके से plane में work कर रहा है। तो इस तरीके से हमारी R F की value जो है वो mg sin alpha के बराबर हो जाती है, mg की value mg sin alpha के बराबर हमें value obtain होती है। Now,
इसमें हम एक काम करते हैं, एफ अपॉन आर करते हैं। क्या करते हैं? एफ अपॉन आर। हमारे पास म्यू की जो वैल्यू है वो एफ अपॉन आर के बराबर होती है। तो एफ की वैल्यू हमारे पास जो है वो है एम जी साइन अल्फा, और आर की वैल्यू जो है हमारे पास एम जी कॉस अल्फा। एम जी साइन अल्फा एंड एम जी कॉस अल्फा, एम जी से एम जी कैंसिल हो गया, एम जी से एम जी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? साइन अल्फा कॉस अल्फा। साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा जो होते हैं बराबर होते हैं टेन अल्फा के, टेन अल्फा। तो इस बात को देख करके हमारे पास म्यू की जो वैल्यू आई वो टेन अल्फा के बराबर वैल्यू निकली, टेन अल्फा के बराबर वैल्यू निकली। तो हम यहाँ देख रहे हैं म्यू जो टेन थीटा के बराबर भी है और म्यू टेन अल्फा के बराबर भी है, म्यू टेन थीटा के बराबर भी है, म्यू टेन अल्फा के बराबर भी है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो म्यू है वो टेन थीटा एंड टेन अल्फा के बराबर होगा, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो हम देख सकते हैं किसी भी बॉडी के लिए अगर टेन थीटा को थोड़ा सा बाय कंपेयरिंग एंगल, ऑन कंपेयरिंग एंगल, तो हमारे पास थीटा इक्वल्स टू अल्फा, थीटा जो है अल्फा के बराबर आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपेयर्स। एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज आपस में इक्वल होते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज आर गोइंग टू बी इक्वल टू ईच अदर। नोट डाउन, तो आज हमने क्या कह जाना, इसे एक बार रिवाइज करते हैं। आज हमने जाना एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है एंड एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, इसके बारे में हमने जाना। जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है वो हमने डिफाइन किया एज एंगल इन बिटवीन द लिमिटिंग रियल टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन आर इन डायरेक्शन ऑफ आर। जो हमारे पास लिमिटिंग फोर्स है, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो रियल टेंट फ्रिक्शन की वैल्यू हमारे पास है ये वाली, और आर के बीच में जो एंगल है वो थीटा, वो बराबर है हमारे एंगल ऑफ फ्रिक्शन के। एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है म्यू इक्वल टू टेन थीटा। सॉल्व करने पर हमें रिलेशन मिलता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बीच में म्यू इक्वल टू टेन थीटा के बराबर हमें वैल्यू मिलती है। फिर हमने जाना एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज इज गोइंग टू बी द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट विच द बॉडी इज जस्ट गोइंग टू बी स्लाइड। वो कम से कम एंगल जिस पे हमारी बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर देगी, वो एंगल हमारे पास एंगल ऑफ रिपोज होता है। हमारे पास एक बॉडी थी, हमारे पास ये एक बॉडी थी जिसमें एक आर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था। तो फ्रिक्शन जो हमारे पास एम जी वैल्यू थी वो हमने रिजल्टेंट में ब्रेक डाउन की, कंपोनेंट में ब्रेक डाउन कर ली। तो ब्रेक डाउन में कंपोनेंट में ब्रेक डाउन की तो एम जी कॉस अल्फा जो वैल्यू कंपोनेंट था वो हमारे नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर रहा था, एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो थी, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू थी, उसे बैलेंस करने के लिए एम जी साइन अल्फा वाला कंपोनेंट उसे बैलेंस कर रहा था। म्यू की वैल्यू हमारे पास होती है एफ अपॉन आर के बराबर। एफ की वैल्यू एंड आर की वैल्यू जो हमने इसमें पुट किया तो एम जी से एम जी कट गया और हमारे पास जो बचता है साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा के बराबर वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। और जब साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा करते हैं टेन अल्फा के बराबर वैल्यू निकलती है और म्यू की वैल्यू टेन अल्फा के बराबर हो जाती है। जब हमारे पास म्यू की वैल्यू टेन थीटा थी और म्यू की वैल्यू टेन अल्फा थी, तो जब हम दोनों को एक साथ लिख दिया तो म्यू इक्वल टू टेन थीटा बराबर टेन अल्फा, और ये दिखाता है कि टेन थीटा नहीं जो और टेन अल्फा बराबर हैं, तो थीटा और अल्फा भी बराबर होंगे। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन
इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज आपस में इक्वल होते हैं। नोट डाउन।